आपको बताऊंगी पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल प्रोग्राम जिसे हम कैसे रन करते हैं, और इसकी 3 मेथड्स बताऊंगी मैं कि एक सिंपल प्रोग्राम को हम पाइथन कमांड लाइन पर कैसे रन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कमांड लाइन पर कैसे रन करते हैं, और पाइथन आईडीएलई में हम कैसे रन करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले पाइथन कमांड लाइन में हम कैसे रन करते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे, पाइथन 3.4 वर्जन है मेरा, यहाँ पर मैं जाऊँगी पाइथन 3.4 कमांड लाइन पर। यहाँ पर ये इस तरह का विंडो आपको ओपन होगी। यहाँ पे मैं एक सिंपल स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना होगा प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो, डबल कोट एंड पैरेंथेसिस क्लोज। मैंने सिंपल इतना ही लिखा है, हेलो ग्रीटिंग वर्ड्स, और एंटर जैसे ही मैं प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे आपको आउटपुट शो होगा। ये हुआ हमारा पाइथन कमांड लाइन पे प्रोग्राम कैसे होता है। अब मैं आपको बताती हूँ माइक्रोसॉफ्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे रन करते हैं एक पाइथन प्रोग्राम। तो इसमें सबसे पहले आपको सर्च में जाके CMD टाइप करना है, तो इससे आपकी कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये विंडो है, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप का पाथ देना है। तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे पाथ, cd space desktop, ये मैंने चेंज किया। अब यहाँ पर एंटर जैसे ही प्रेस करूँगी तो पाथ डेस्कटॉप आ गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पर एक पाइथन की फाइल बनानी है, वो मैं बनाऊँगी नोटपैड पर। तो मैं इसे मिनिमाइज़ करती हूँ, मैं यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ नोटपैड। तो यहाँ से मैं ले लूँगी, यहाँ पे मैं अपना एक प्रोग्राम पाइथन का बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट, यहाँ पे मैं राइट डाउन करती हूँ दिस इज माय पाइथन प्रोग्राम, दिस इज माय पाइथन प्रोग्राम, डबल कोट एंड पैरेंथेसिस क्लोज किया मैंने। अब इसे मुझे सेव करना है, वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे जाइए, आप सेव पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पर ही सेव करना है। यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है, तो मैं यहाँ पे देती हूँ आपको जो नाम देना है, फर्स्ट मैंने नाम दिया, और इसमें एक्सटेंशन मुझे लगाना है .py, वो पाइथन का होता है आपका .py, और इसे सेव कर दूँगी मैं। तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया है, यहाँ से अब हम इसे क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद में ये कमांड लाइन, ये हमने जो पाथ दिया था, यहाँ पे अब आपको उस फाइल का नाम देना है जो डेस्कटॉप पर है। तो यहाँ पे मैं नाम दूँगी first.py, मेरा ये प्रोग्राम था। अब वहाँ पे मैंने जो भी राइट डाउन किया था उस फाइल में, पाइथन का जो प्रोग्राम बनाया था, उसका आउटपुट हमें यहाँ पर शो होगा। देखिए, जैसे मैं एंटर करती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया है आउटपुट, दिस इज़ माय पाइथन प्रोग्राम। तो इस तरह से हम कमांड प्रॉम्प्ट पर ही पाइथन का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पे बताती हूँ मैं आपको पाइथन आईडीएलई में कैसे हम रन करते हैं पाइथन प्रोग्राम। तो यहाँ से मैं जाऊँगी, सबसे पहले पाइथन आईडीएलई ओपन करूँगी, यहाँ पर है पाइथन 3.4, इसके अंदर है पाइथन आईडीएलई 3.4 GUI 32-bit, इसे मैंने ओपन किया। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह का आपको दिखेगा, ये पाइथन 3.4.3
एंड टाइप कॉपीराइट क्रेडिट्स और लाइसेंस ये सब दिखेगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह के एरो टाइप्स एंड दिखेंगे, इसमें हम कोड राइट डाउन करेंगे पाइथन का। प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट के अंदर हमें जो भी राइट डाउन करना है पाइथन प्रोग्राम, मैं यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ पाइथन प्रोग्राम, डबल कोट क्लोज कर दिया मैंने और पैरेंथेसिस। अब जैसे ही एंटर करेंगे ये देखिए पाइथन प्रोग्राम आपका रन हो गया है। ये मैंने आपको सिंपली एक स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में वो बताया है। इसमें आप एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एडिशन करके बताती हूँ, यहाँ पे देखिए आपको इसमें जैसे सी और सी प्लस प्लस में हम बहुत सारी कोडिंग करते थे, सिंटैक्स यूज़ करते थे, वो सब यूज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको सिर्फ देना है, जैसे हमको एडिशन करना है तो मैंने लिखा 4+8 और सिंपली एंटर, ये देखिए आउटपुट मिल गया। तो ये होती है पाइथन प्रोग्रामिंग की फीचर्स कि इसमें कोडिंग बहुत ही इजी होती है, डिफ़िकल्ट नहीं होती है। और इस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पर होता है फाइल, यहाँ से हम न्यू फाइल करते हैं तो एक पाइथन शेल ओपन हो जाती है। यहाँ पर हम प्रोग्राम लिख कर उसे यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इसमें देख सकते हैं पाइथन आईडी शेल में, हमने यहाँ से ओपन करा ये फाइल। मैं यहाँ पर कुछ प्रोग्राम एक कोड राइट डाउन करती हूँ, प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोड के अंदर मैंने जैसे कुछ भी वैल्यू लिखा है, हेलो दिस इज माय प्रोग्राम, ये लिखा है डबल कोट पैरेंथेसिस क्लोज। अब ये मैंने किया, अब इसे मैं सेव करूँगी, यहाँ से कंट्रोल एस करके भी कर सकते हैं हम। अब इसे डेस्कटॉप पर सेव करना है तो यहाँ पे जो भी फाइल का नाम आपको देना है, जैसे मैंने दे दिया पाइथन फाइल, यहाँ पे दे दिया है मैंने पाइथन फाइल दे देती हूँ, ये पाइथन प्रोग्राम .py एक्सटेंशन यहाँ पे लगाना है। जब भी आप पाइथन प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं तो .py आपको एक्सटेंशन लगाना है। इसमें सेव कर दिया मैंने यहाँ पर, ये सेव हो गया। अब उसके बाद में यहाँ से देखिए ये रन पर जैसे ही मैं करूँगी रन मॉड्यूल F5, अगर मैं F5 की भी प्रेस करूँगी तो भी मुझे आउटपुट इसका शेल में मिलेगा। देखिए ये देखिए हेलो दिस इज़ माय प्रोग्राम, अगेन मैं जाती हूँ यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर और कुछ चेंजेस किए, जैसे सिर्फ मैं प्रिंट करा रही हूँ यहाँ पर दिस इज़ माय प्रोग्राम, ये मैंने हेलो यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद में इसे मुझे कंट्रोल एस करना होगा, ये मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए हैं, कंट्रोल एस करूँगी मैं, सेव करूँगी तो ये फाइल सेव होगी। और जैसे ही रन पर जाऊँगी रन मॉड्यूल, तो ये देखिए आउटपुट आ गया दिस इज़ माय प्रोग्राम। इसमें भी हम टू नंबर्स का एडिशन करवा सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, देखिए जैसे दिस इज़ माय प्रोग्राम ये मैंने राइट डाउन किया। अब इसके नीचे मैं यहाँ पर नंबर्स ले लेती हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया a इक्वल टू 3 ले लिया, a b इक्वल टू मैंने ले लिया 4 अगेन। अब मुझे एक अदर वेरिएबल लेना है और उसमें इन दोनों की वैल्यू मुझे प्लस माइनस से सब्ट्रैक्शन जो भी कराना है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया c इक्वल टू a मल्टीप्लाई
बी, मल्टीप्लिकेशन करवाती हूँ मैं इसमें। अब यहाँ पे मुझे सी की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो मैं सिंपल लिखूँगी प्रिंट, पैरेंथेसिस के अंदर हमें वो वेरिएबल पास करना है यहाँ पे जिसके अंदर हमारा रिजल्ट आएगा, ये देखिए प्रिंट सी। अब इसे मैं कंट्रोल एस कर देती हूँ, अब देखिए आपको आउटपुट मिलेगा, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर आएगा। देखिए यहाँ से मैं रन कराती हूँ, ये देखिए दिस इज़ माय प्रोग्राम, 3 और 4 वैल्यू मैंने ली थी ए और बी की, तो 3, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया है 12। क्लियर है आपको? तो ये होता है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो मैंने आपको इसकी 3 मेथड्स बताई हैं। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू।